आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी ज़्यादातर सभी लोगों को अच्छी लगती है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। आज हम भिंडी की सब्जी कुछ अलग टेस्ट में टमाटर के साथ बनाते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल रीता गुप्ताज किचन। चलिए शुरू करते हैं। आधा किलो भिंडी है, इसे मैंने धोकर इसका सारा पानी निकाल दिया है और अच्छे से सारी भिंडियों को सुखा लिया है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो भिंडियों को किचन टॉवल में डालकर सारा पानी सुखा लीजिए। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए भिंडी छोटी छोटी और मुलायम भिंडी ही हमें चूज करनी है। अब हम भिंडी काट लेंगे। भिंडी के ये ऊपर और नीचे का भाग काट के हटा देंगे और इस तरीके से हमें भिंडी काटनी है। कभी कभी भिंडी में कीड़े होते हैं तो इस तरीके से दोनों साइड से हमें दिख जाएगा। सारी भिंडी इसी तरीके से काट लेते हैं। ये दो प्याज हैं जो लंबाई में मैंने इस तरीके से काट लिया है। ये 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ये एक टमाटर है जिसे छोटे पीस में काट लिया है और ये एक बड़ा टमाटर लंबाई में काट लिया है और ये 3-4 हरी मिर्च लंबाई में काट लिया है। अब एक पैन गरम करेंगे और उसमें 3-4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाने पर थोड़ी अजवाइन और थोड़ी मेथी दाना डालेंगे। 1 पिंच हींग डाल देंगे। इन सबको मिला लेंगे। अब इसमें कटी हुई भिंडी डाल देंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। लिड से कवर कर देंगे। अभी हम नमक नहीं डाले हैं। नमक से भिंडी गीली होने लगेगी जिससे भिंडी में लस बनने लगेगी, इसलिए हम पहले भिंडी को थोड़ा पका लेंगे, बाद में डालेंगे। अब 5 मिनट बाद चेक करेंगे, इनको चला लेंगे और अब इसे खुला ही पकने देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए भिंडी पक गई है। अब गैस ऑफ कर देंगे और इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने पर 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा भुन जाने पर प्याज डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। हरी मिर्च भी डाल देंगे और थोड़ा फ्राई करेंगे। अब इसमें टमाटर मिला देंगे। और साथ ही नमक डाल देंगे और मिला देंगे। इसे कवर कर देंगे जिससे टमाटर गल के पक जाएं। 5 मिनट बाद चेक करेंगे। और थोड़ा भूंज लेंगे। और पकी हुई भिंडी भी साथ में डाल देंगे। वन स्पून धनिया, 1/2 स्पून लाल मिर्च, 1/2 स्पून सौंफ पाउडर, 1 स्पून अमचूर पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक मिला लेंगे। नमक टमाटर में भी डाला था तो अब उसी अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और अब सारे मसाले और भिंडी को आपस में हल्के हाथ से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और बराबर चलाते हुए भूंज लेंगे। भिंडी भूंजकर तैयार है
गैस ऑफ कर देंगे और थोड़ी हरी धनिया डालेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। ये हमारी भिंडी टमाटर की सब्जी है। इस सब्जी को पूड़ी, पराठा, रोटी, चावल, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। ये हमारी भिंडी टमाटर की मसालेदार चटपटी सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सजेशन कमेंट करके बताएं। न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।